हमारे इंडिया से सबसे पहला एक सवाल कि भाई आप जैसे आपने खुद कहा फरवरी में आखिरी बार आपने गेंद थामी थी और उसके बाद बाहर रहे, कई चीज़ें हुई ऑब्वियसली, उसके बाद से अचानक इंटरनेशनल मैच में आना और इस तरह का स्पेल डालना, इसको किस तरह से देखते हैं? अचानक तो नहीं कहूँगा, बट यही कि डिफिकल्ट रहता है क्योंकि आपकी भी एक्सपेक्टेशन खुद से है कि आपको भी अपनी जगह बनानी है, क्योंकि जब आप लंबे टाइम तक नहीं खेल रहे हो तो काफ़ी लोग और दूसरे लोग खेलते हैं, वो अच्छा करते हैं, उनकी जगह बनती है, वापस अपनी जगह टीम में बनाने के लिए आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस देनी होती है, एक नहीं काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, तो वो प्रेशर तो एक प्लेयर पर रहता ही है। और वही मेरी भी एक्सपेक्टेशन थी कि जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं परफॉर्म करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि एक प्लेयर के हाथ में। दीपक चाहर को मैन ऑफ द मैच मिला, मैच जिताने वाला उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया और इसके चलते एक बार फिर से दीपक चाहर जो है सडनली लाइमलाइट। डू यू थिंक दैट दीपक चाहर एक्सप्लॉइटेड द कंडीशन स्पेशली इन द मॉर्निंग, वाज दैट आल्सो द डिसाइसिव फैक्टर इन द मैच? ऑब्वियसली ये यू नो दीपक चाहर हैज गॉट हिज ओन स्ट्रेंथ्स एंड आई फील ही वेंट विद दैट एंड इट रियली वर्क्ड फॉर हिम एंड या एक मामूली जिम्बाब्वे के खिलाफ प्रदर्शन नहीं है, अगर दीपक चाहर ने यही परफॉर्मेंस अगर उन्होंने कंटिन्यू रखी, इन्होंने बाकी दो मैचेस में भी यहां पर दिखाए, तो निश्चित तौर पे जो दीपक चाहर के समर्थक हैं, जिस तरह से सेलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट उनको बैक करती है, ये सवाल उठेंगे कि क्या दीपक चाहर को T20 वर्ल्ड कप के लिए कंसिडर किया जाए, उनको सोचा जाए। और ये सवाल न सिर्फ खिलाड़ियों के जहन में है, क्योंकि इस इंडियन टीम की मैनेजमेंट की खासियत यह है कि जो भी खिलाड़ी अगर इंजरी के चलते बाहर होता है तो ऐसा नहीं कि उसको पूरी तरह से कर दिया जाए, उनकी पुरानी परफॉर्मेंस को कंसीडर किया जाता है, याद किया जाता है कि इंजर्ड होने से पहले इस खिलाड़ी ने क्या किया था, और शायद दीपक चाहर की इस परफॉर्मेंस को वो याद करेंगे। और यही सवाल मैंने दीपक चाहर से पूछा, क्योंकि मैं आपको बता ही चुका हूँ इकलौता भारतीय प्रेस कॉन्फ्रेंस पत्रकार था, हिंदी में सवाल पूछने वाला, और मैं जानबूझकर हिंदी में आप लोगों से पूछता हूँ क्योंकि जिम्बाब्वे के जितने पत्रकार हैं वो तो इंग्लिश में पूछ ही लेते हैं। तो मैंने दीपक चाहर से यही सवाल पूछा कि वर्ल्ड कप की दावेदारी को लेकर वो किस तरह से देखते हैं, जरा वो भी जवाब सुन लें। इसी से जुड़ा सवाल है, जैसे आपने कहा कि कई लोग जो आप जब इंजर्ड थे कई लोग आए, उस समय तक जिस समय आप खेल रहे थे सर्टेनिटी के तौर पे आपको वर्ल्ड कप के लिए देखा जा रहा था, वर्ल्ड कप में अभी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा, बहुत ज़्यादा मैचेस भी नहीं है, उस लिहाज से आप कैसे देखते बाकी के दो मैचेस, चूँकि कैन वी से दीपक चाहर जहाँ पर थे 6 महीने पहले वहीं पर पहुँच चुके हैं, उन्होंने जहाँ छोड़ी थी क्रिकेट वहीं पर हैं। वो मेरे हाथ में नहीं कि मैं सेलेक्ट होऊंगा नहीं होऊंगा, बट स्किल वाइज हाँ मैंने काफ़ी मेहनत की पिछले टाइम में, जहाँ पर मैंने ख़त्म किया था मेरी शुरुआत शायद वहीं से हुई है, क्योंकि आज भी मैंने मुझे लगता है ठीक बॉलिंग की, जहाँ मैं एक दो छोड़ के भी स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम था पहला ओवर छोड़ के, बाकी जो भी ओवर मैंने फेंके 7 ओवर लगातार फेंके तो फिटनेस लेवल अच्छा है। लेकिन ये मैच गेंदबाजी की भी अगर बात की जाए तो सिर्फ दीपक चाहर का मैच नहीं था, इसमें बाकी गेंदबाजों ने भी, खासकर तेज गेंदबाजों के अलावा स्पिनर्स ने, अक्षर पटेल ने जिस तरह की गेंदबाजी की, विकेट लिए, किफ़ायती गेंदबाजी की और उन्होंने विकेट भी चटकाए, तो अक्षर पटेल पर भी एक तरह से देखा जाए, अक्षर पटेल रेगुलर नहीं खेलते हैं लेकिन वो और आसान नहीं होता है, आप डे इन डे आउट लगातार नहीं खेलते, अचानक एक मैच में आता है और आपको पता होता है कि इस मैच में आपको परफॉर्मेंस देनी है, नहीं तो हर कोई पूछेंगे अक्षर पटेल क्यों है, तो अक्षर पटेल ने भी शानदार गेंदबाजी की, कुलदीप यादव बहुत दिनों बाद वो भी एक कॉम्पिटिटिव मैच खेल रहे थे, विकेट उनको नहीं मिला लेकिन बहुत ही सधी हुई इन्होंने गेंदबाजी की, तो निश्चित तौर पर ये बात उन्हें प्लीज़ की होगी। और यही सवाल मैंने जिम्बाब्वे के जो खिलाड़ी हैं उनसे पूछा कि भारतीय टीम को अगर रेगुलर खिलाड़ी नहीं भी हैं तब भी ऐसे खिलाड़ी हैं कि अगर इनके सामने आप गेंदबाजी, खासकर स्पिनर्स के सामने आप बल्लेबाजी करते हैं तो कैसा अनुभव होता है, क्योंकि भारत के नंबर स्पिनर आप देखा जाए युजवेंद्र चहल हैं, रविंद्र जडेजा हैं, अश्विन हैं, ये तीनों नहीं थे उसके बावजूद भी परेशान हुए, सुनिए उन्होंने क्या कहा। इंडिया हैजंट कम हियर विद देयर रेगुलर स्पिनर्स बट द वे अक्षर पटेल एंड कुलदीप यादव बोल्ड ऑन दिस विकेट, व्हाट यू हैव टू से अबाउट देम? I think Kuldeep is another world-class bowler, but same with Aksa. But like I said before, at the end of the day, a good ball is a good ball, and a bad ball is a bad ball. You can actually go with any bad ball, but I feel Aksa really bowled well today, and Kuldeep also. Yeah, it was actually nice to see him, actually to meet him for the first time, but yeah, I feel they really bowled well. Thank you. और आखिर में बात बल्लेबाजों की भी, जी हाँ गेंदबाजों ने तो अपना कमाल दिखाया लेकिन बल्लेबाजों में दो बल्लेबाजों ने वो धमाल मचाया
जिसकी धमाल मचाने की आदत उनकी पड़ गई है, शिखर धवन जिन्होंने वेस्ट इंडीज में कप्तानी की थी, रन बनाए थे ज़बरदस्त तरीके से, शिखर धवन ने यहाँ पर भी एक शानदार और शतक बनाया, नॉट आउट रहे। वही काम शुभमन गिल ने किया, शुभमन गिल ने वेस्ट इंडीज़ में वो मैन ऑफ द सीरीज रहे थे, यहाँ पर भी उन्होंने इसी फॉर्म को कंटिन्यू रखा। तो बेसिकली देखा जाए जिसको मौका मिला वो मौके पे चौका लगा रहा है, किसी भी अपॉर्चुनिटी को हल्के में नहीं ले रहा है, और यही जिम्बाब्वे के लिए परेशानी का सबब भी बन रहा है, क्योंकि जिम्बाब्वे को पता था कि जो टॉप ऑर्डर इंडिया का है वो उनके लिए बहुत चैलेंज करेगा, और ये टॉप ऑर्डर चैलेंज कर रहा है। माय क्वेश्चन, द वे ऑब्वियसली इट वाज एक्सपेक्टेड दैट इंडियन टॉप ऑर्डर विल डोमिनेट, द वे शिखर एंड शुभमन गिल बैटेड, व्हाट डू यू थिंक दैट सिंस देयर वर नॉट इनफ टोटल ऑन द बोर्ड दैट वाज द रीजन दैट यू गाइस कुडंट चैलेंज देम? Obviously, Shikhar and Gill on the crease, you know, we're talking of you know, top-class players around the world, and obviously you have to be spot on, and I think they really burned it well. And obviously going forward, you need to be on top of the mark to be able to ball to them or to get them out. तो किल मिलाकर टीम इंडिया ने जिस तरह की तैयारी की थी उस हिसाब से उनको नतीजे मिल गए हैं, गेंदबाजों ने अपना कमाल दिखाया, बल्लेबाजों ने अपना कमाल दिखाया, कुछ एक सवाल है कुछ खिलाड़ियों को लेकर, लेकिन मुझे लगता है टीम बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हुई, क्योंकि 100 में 100 तो आपको मिलते नहीं हैं, एग्ज़ाम में भी नहीं मिलते हैं, अनलेस एंड अनटिल आप CBSE की परीक्षा में आप जा रहे हो। खैर एनीवे, तो ये टीम इंडिया के लिए बहुत ही सेटिस्फाइंग रही ये जीत, और एक दिनों का गैप है, देखा आपने जिम्बाब्वे के खिलाड़ी मजाक कर रहे थे, एक सिर्फ मैच अब एक दिन का गैप है, और उम्मीद की जानी चाहिए, हो सकता है कि कल प्रैक्टिस करे टीम इंडिया, जो भी चीज़ करेगी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हरारे से अपने दोस्त विमल कुमार को इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम को देखने के लिए, आप हमारे कार्यक्रम को इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह से आप लोग हमें प्यार दे रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यही नज़ारा आपको देखने को मिला, जश्न का माहौल था, जितने भारतीय दर्शक आए थे उनके पैसे वसूल हो गए, और ये पैसे वसूल कराए दीपक चाहर ने, अगर देख सकते हैं आपको मैंने पहले ही कहा था दीपक चाहर मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मोमेंट, जिम्बाब्वे के जितने पत्रकार थे वो भी इनके पीछे पड़े हुए थे फैंस की तरह, उनके साथ ऑटोग्राफ लेने की कोशिश, फोटोग्राफ लेने की कोशिश, और अच्छा लगा मतलब ये, और जो सौम्यता दीपक चाहर में है, बड़े शांत स्वभाव के, कोई एयर नहीं, सबके साथ एक के बाद एक कई लोग आए मुस्कुराते हुए, उन्होंने सबके साथ तस्वीरें खिंचाई, हर किसी को वक्त दिया, ये देखकर बड़ा ही अच्छा लगा कि भाई ना सिर्फ मतलब फैंस हैं, जो जर्नलिस्ट भी हैं वो भी चाहते हैं, क्योंकि देखिए जिम्बाब्वे की टीम तो यहाँ में के साथ तो बहुत आमना सामना होता नहीं भारतीय टीम का, और इन्हें पता है कि 6 साल पहले आए थे और अब अगले 6 साल नहीं आना है, तो जो भी मौका मिला है दीपक चाहर, हु नोज़ कि दीपक चाहर के तौर पर आज जो तस्वीरें खिंचा रहे हैं, दीपक चाहर लेजेंड हो अगले 6 साल 8 साल 10 साल में कितने बड़े खिलाड़ी हो जाए, क्योंकि जिम्बाब्वे की एक खासियत है कि यहाँ पर जिस जो खिलाड़ी अच्छा करता है, दौरे की शुरुआत करता है, वापसी करता है, वो आगे भी बहुत अच्छा करता है। तो चलते चलते इन्होंने एक फ़ैन का भी दिन बना दिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा कार्यक्रम देखने के लिए, आगे और कुछ खास रिपोर्ट लेकर आएंगे।